तो वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी के बारे में जो एक बच्चे के ऊपर बेस है। ये काफ़ी डरावनी स्टोरी है। अगर आप चाहें तो बीच में ही इसे पॉज कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इस हॉरर स्टोरी को ध्यान से सुनना, इसमें आपको थोड़ी डर भी लगेगा और थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो इंट्रो लगाते हैं और लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी ज़्यादा डर लगे तो इस वीडियो को पॉज करके बाहर निकल जा रहा है। तो ये हॉरर स्टोरी बहुत ही डरावनी, बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। ये फेमस थ्योरी है दोस्त, इसलिए डरना सोच थोड़ा बनता है। तो एक बार एक बच्चा था और उसे रोम समा करना बहुत ही पसंद था। एक बार वह हमेशा दूसरे के रूम्स के साथ खेलने में उसे मज़ा आता था। एक बार उसने एक दोस्त के पास से एक रूम खरीदी। उसमें कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ पोकेमोन ही लिखा हुआ था। और उस वक्त वहाँ पर एक इससे जम था पोकेमोन रेड। उसने ऐसे कुछ गेम लेकर शुरू की। उसने स्टार्टिंग ये गेम चालू की तो उसे पहले काला कुछ और मिलेगा, और उसके बाद उस पर ब्लैक लिखा हुआ आया। तो सॉरी गाइस, मैंने वीडियो बीच में रोक ली थी क्योंकि मेरी मम्मी ने थोड़ा किया था कि हाँ कल थोड़ी क्या कर तो करना पड़ता है। हाँ हम कहते हाँ याद आया, ब्लैक लिखा हुआ आया। और उसी वक्त तो वहाँ पर कार अंधेरा छा गया उस रूम में, और उसे लगता था कि इसके साथ किसी ने छेड़खानी की है। और नतीजा वही था, छेड़खानी किसी ने की है। तो जब उसने स्टार्टिंग किया तब उसे एकदम नॉर्मल जैसा ही फील हुआ। और उसके बाद जब वो प्रोफेसर के पास अपना पहला पोकेमोन चुनने गया, तब उसके पास 3 नहीं 4 पोकेमोन थे। और 4 पोकेमोन उन चारों में से यहाँ पर और दर ले जाता है। उन चारों में से पहला पोकेमोन चार में स्पॉट और 3 का प्रोफेसर चौथा कोस्ट पोकेमोन था, इसलिए उसने पहले ये सारे पोकेमोन तो यूज़ कर लिए थे। इसलिए प्यार उसके बाद उसने होस्ट पोकेमोन से शुरुआत करनी चाहिए। जब वह विलियम फॉरेस्ट में पहुँचा तब एक फ्रेंड के पास बैठा कर रहा था। तब उस पोकेमोन को सीख ले कि मैं वहाँ था कल्स। उस कल्स के मुँह से वह कल्स के दूसरे पोकेमोन उस पर अटक नहीं करवा रहे थे। एक ही कोर्स करने के बाद और जब कर्ज यूज़ किया तो उसके 2 ऑप्शन आए, एक तो रन तो वो सिंपल बैक आ जाएगा, और दूसरा कर्ज। अब कर्ज से क्या हो, कर्ज से जो पोकेमोन हो वो पोकेमोन मर जाएगा। और उसको रोने की आवाज़ सुनाई देगी और एक कदम स्क्रीन गाड़ी पड़ जाती है। और जब वह प्यूटर सिटी पहुँचता है तब विलियम फॉरेस्ट में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन प्यूटर सिटी में कुछ अलग कहता है वो ब्लॉक, और वहाँ पर चल जाता है। उसे लगा कि वो विलियम सिटी पर गया है, लेकिन जब विलियम सिटी गया तब
तब जो ट्रेनर्स राइट साइड पे खड़े थे वो लेफ्ट साइड पे आ गए और आज ट्रेनर्स गायब हो गए। और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, उसको मज़ा आने लगा कि वाह मज़ा आएगा। तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो गैली के पास गया, रेड फूल को हरा के सारे जिम में जिस पा के गैली आखिर में गैली के पास गया हराने के लिए। और उसने आसानी से गैली को हरा भी दिया और कर्ज करने के बाद गैली का मर जाता है और गैली भी चला जाता है ब्लॉक की ब्लॉक और दूसरे ट्रेनर्स की तरह। तब वह अपनी स्क्रीन जब वह प्रोफेसर ओक के पास गया तब अचानक से जेवन टाउन पहुँच गया। वहाँ पर बड़ा सा प्लेग था, पीपल क्या बोलो सब डर गए। अरे अभी तो भैया शुरू हुई है, डर थोड़ा जाएगा। हाँ तो वो जब जेवन टाउन गया तो जेवन टाउन अचानक पहुँच गया और उसकी स्क्रीन काली होने लगी। उसने रीबूट मारा लेकिन फिर जब उसने जिस घर से शुरू किया था उस घर में से उसे बहुत सारे पोकेमोन का चेहरा दिखाने लगा। कैटरपी, वीडर, पीजी, बहुत सारे पोकेमोन का चेहरा दिखाने लगा। तो उसे लगा कि ये तो वही पोकेमोन है कि जी मैंने कल यूज किया था। और उसके बाद उसने वो बहुत सारे ट्रेनर्स का भी चेहरा देखा जिस पर कर्ज यूज किया था। अचानक से वो लेवन टाउन पहुँच गया और वहाँ देखा कि बहुत बड़ा ट्री है। उस ट्री पर बहुत सारी हड्डियाँ थी। वो मन वो आता है ना अड्डा, वो था हमारे मुँह का हड्डी आती है ना, वो था उठकी हुई थी उस डाड़ियों के साथ। तब वह वहाँ पर आसान से ले लाया जाता है मेरा अपना है ट्रेनर्स। और तब वह अपने आप को ही मार देता है। उस ट्री के पास आई फॉर वोटर अपने आप ही मर जाता है। और फिर जब वह विलियन सिटी से आकर बढ़ रहा था तभी जब वह विलियन सिटी से आकर बढ़ता है तब हमें एक ट्रेनर दिखाई देता है जो हमें पोकेमोन पकड़ने का तरीका बताता है। और उसके सामने था एक घोस्ट पोकेमोन कॉल्स। अचानक से वो वहाँ पहुँच जाता है और उसके पास कोई भी पोकेमोन नहीं होता, सिर्फ वह स्वैगर करना ही जाता है। और स्वैगर करने के बाद यार तो घोस्ट पोकेमोन असर भी नहीं करता और उसके बाद स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है। और जब वह रीबूट मार के न्यू गेम को स्टार्ट करता है तो वही गेम वहाँ पर अटक जाती है। तो दोस्तों कैसी रही ये स्टोरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप ज़्यादा डर गए हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं करती है कि मैं कोई हॉरर स्टोरी पे था, माफ़ कर दीजिए, सॉरी करके तो यूँ जा सकते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करके जाना। ते तो जाइए मेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है PokeMVX, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।